हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे और स्वागत है देवभूमि कोटद्वार से। देखो, सूर्यदेव जी के दर्शन हो गए हैं सुबह सुबह। और अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैं भी आज जल्दी उठ गया हूँ। 6:45 करीब मैं भी उठ गया था आज। उस समय अंधेरा हो रखा था और आज आपको नवरात्र की हार्दिक शुभकामना और बधाई है। तो मैं आज फ्रेश व्रेश होता हूँ, नहाता हूँ, फिर आपसे सीधे मिलता हूँ। तो चलो, अभी नहा धो के फिर आपसे मुलाकात होती है। प्रण, मैं फ्रेश बिल्कुल हो गया हूँ, नहा गया हूँ। अब सीधे करते हैं मंदिर में पूजा। अब सीधे मंदिर में चलते हैं, मंदिर के दर्शन करते हैं। चलो, सुबह सुबह पहले फूल, उसके बाद फूल भी चाहिए मंदिर में। ये है फूल, बहुत इतने दोस्तों, मैं तैयार हूँ ड्यूटी जाने के लिए। तो ड्यूटी जा रहा हूँ मैं और आपसे सीधे मुलाकात होगी ड्यूटी आने के बाद। तो अभी सीधे ड्यूटी चलता हूँ। अभी दोस्तों, हम दुर्गा माता का मंदिर है दुगड्डा और कोटद्वार के बीच में। कोटद्वार से 12 किलोमीटर और दुगड्डा से 3 किलोमीटर कोटद्वार वाली रोड पे। तो मैं वहीं पे आ रखा हूँ। मैंने कहा चलो, आज नवरात्र भी है आज और पहला व्रत है आज, तो माता के दर्शन भी कर लेते हैं। यहाँ पे दुर्गा माता का मंदिर है तो यहीं पे है पास में। और इधर ये नदी है, ये नदी आ रही है। और मेरे साथ है मेरे साढ़ू भाई के भाई, उनका बेटा है सौर्य। ये पावनी की क्लास के साथ का है सौर्य। तो हम दोनों चल रहे हैं मंदिर में। यहाँ पे ये मुझे आधे रास्ते में मिला, ये अपने बुआ के घर आ रखा था दुगड्डे में। तो हम दोनों यहाँ पे मंदिर में जा रहे हैं अंदर। और रास्ता मैंने आपको अभी दिखाई दिया है, सीधे रास्ता है, यही रास्ता है। ऊपर में ये बना रखा है छप्पा टाइप का। और आप इस तरह मंदिर में जा रहे हैं वहाँ से। तो चलो आगे, आपको मैं मंदिर में ले जाता हूँ। तो यहाँ पे पानी है तो यहाँ पे पहले हम हाथ धो लेते हैं। दोस्तों, ये दुर्गा माता का मंदिर है अंदर, और अंदर आपको गुफा दिख रही है आपको। तो वहीं पे माता का मंदिर का जो दिया ज्योत होता है वहीं पे जलता है। तो मैं वहीं जाऊंगा अभी अंदर। देखो आप, वहाँ पे बाहर कोई महिला वहाँ पे दक्षिणा वहाँ पे कुछ डाल रही है वहाँ पे, तो वहीं पे जाऊंगा अभी मैं। तो मंदिर के दर्शन कर लिए हमने और काफ़ी दिनों के बाद आया मैं यहाँ पे। जबकि डेली आना जाना रहता है इस रोड पर, कभी नहीं आया। और आज टाइम मिला आने जाने का मुझे। पीछे बंदर भी आए हैं, बंदर है यहाँ पे, सब झट्टा मार रहे हैं। और अच्छा लगा आज मंदिर के माता के दर्शन करने में। तो बहुत ये, कभी अगर आप लोग आओ कोटद्वार और दुगड्डे के बीच में है, दुगड्डे से पहले ही है 3 किलोमीटर पहले, और रोड के नीचे ही है, रोड के जस्ट वहीं पे है, बगल में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। बस पैदल वहीं पर जाना है, बस रोड में ही है मंदिर। तो आप चलते हैं यहाँ से। अंदर अच्छा लगा झुके, और नीचे बिल्कुल झुके जाना पड़ रहा था। ये माता का मंदिर जो है ना, वो बिल्कुल अंदर है, ऊपर चारों तरफ पत्थर है
अभी आपको मैंने वीडियो में दिखाया होगा, और बिल्कुल तो नीचे लेट के जाना पड़ रहा है, तो काफ़ी अच्छा लगा अंदर जाके। तो अब अंदर चल रहे हैं, हम ऊपर जा रहे हैं जहाँ से अभी आए हम। ये वो है गिरगिट। देखो गिरगिट मिला हमें यहाँ पे, चलो चलते मैंने कहा चलो आपको दिखाता हूँ। तो हमने यहाँ पे दर्शन कर लिए, अब हम जा रहे हैं सीधे कोटद्वार, तो चलो आपको सीधे मिलते हैं वहीं पे। आज दोस्तों देखता हूँ कि मोबाइल से मोटो ब्लॉग कैसे बनता है, तो मैं मोबाइल से मोटो ब्लॉग बना रहा हूँ, तो चलिए मेरे साथ आप भी देखिए ये मोबाइल से कैसे बनता है। चलो आपको मैं दिखाता हूँ। अभी मैं दोस्तों कोटद्वार से झंडी चौड़ के लिए सीधे निकल रखा हूँ, तो सीधे मैं झंडी चौड़ जा रहा हूँ। अभी मैं इधर आ गया हूँ मोटरढांग, मोटरढांग से आगे मैं पहुँच गया हूँ, और ये अभी दिन का टाइम है, 3 बज रहे हैं, 3:30, हाँ लगभग 3:15 करीब हो रहा है, और ये सीधे मैं आगे ही निकल रहा हूँ अभी। इधर जा रहा है कलाल घाटी और ये झंडी चौक, तो मुझे आगे जाना है झंडी चौक। अब मुझे इधर को मुड़ना है, ये तो गया इधर किशनपुरी और ये गया इधर झंडी चौड़, तो मुझे आगे इधर जाना है झंडी चौड़। बस इसमें मोटो ब्लॉग सही बन रहा है, अगर साथ में अगर है कोई नहीं तो मुझे ऐसे रख के झेलने रख के चलाना पड़ेगा, वैसे बढ़िया भी टकरा वैसे। और ये मैं इधर झंडी चौड़ का ये रास्ता है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है झंडी चौड़, केवल 4-5 किलोमीटर है यहाँ से जहाँ से मैं अभी पड़ा। हरे भरे जंगल है, क्योंकि यहाँ भी मेरा काम है, तो पहले मेरा काम था लंचडाउन, मैं सुबह लंचडाउन गया था, और तो मैंने आते वक्त आपको दिखाया मैं मंदिर में भी रुका, और अब मैं सीधे यहाँ झंडी चौड़ जा रहा हूँ अपने काम से, ऑफिस के काम से। तो फिर उसके बाद फिर वापस आऊँगा फिर घर के लिए। यहाँ पे कोई अंकल यहाँ पे पत्रियाँ चला रहे हैं, और झंडी चौड़, 2 झंडी चौड़ है यहाँ पे, एक पूर्वी झंडी चौड़ है एक पश्चिमी झंडी चौड़ है। तो मैंने जहाँ जाना है मैं जा रहा हूँ पूर्वी झंडी चौड़, तो पश्चिमी वाला जो अभी मैंने आपको रास्ता दिखाया वो पश्चिमी के लिए कट जाएगा, और ये आप मुझे ऊपर को मुड़ना है, और ये झंडी चौड़ का मार्केट आने वाला है, ज़्यादा नहीं है, बस 2-4 दुकान दिख रही है यहाँ पे, और मेरा भी आप यहाँ पे काम पे काम है, मेरा भी ऑफिस आने वाला है, तो चलो आपसे फिर मेरा भी मिलते हैं बाद में। तो दोस्तों आज मोटो ब्लॉग भी बन गया है मेरा आज, और आज मुझे बढ़िया लगा मोटो ब्लॉग, और माता के दर्शन करने में और काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि पहली बार मैंने मोबाइल से मोटो ब्लॉग बनाया है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि मेरा मोटो ब्लॉग कैसे बना, अगर आप लोग कहेंगे अगर अच्छा बना तो मैं आपको डेली मोटो ब्लॉग दिखाऊंगा इसमें, क्योंकि मेरा डेली ऐसे टूर रहता है, मेरा फील्ड का जॉब है, तो आपको मैं ऐसे ही मोटो ब्लॉग दिखाता रहूँगा, फिर आप मुझे कमेंट करके बताना। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे आपसे सीधे अपनी देवभूमि उत्तराखंड से, तो चलो ओके दोस्तों, बाय बाय, जय माता रानी, बाय बाय दोस्तों।